विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं छठी माता के पर्व की महिमा और उसका महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को प्रतिवर्ष हर वर्ष छठ माता का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान सूर्य और छठी माता को प्रसन्न करने के लिए चार दिन तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। विधान है चार दिन की पूजा अर्चना का। छठी माता की पूजा अर्चना में संतान के उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और उसकी दीर्घायु के लिए निर्जल उपवास किया जाता है, माता को मनाया जाता है, रिझाया जाता है। माता पिता यदि संतान के लिए मिलकर, यानी कि पति पत्नी दोनों संतान के लिए मिलकर व्रत करना चाहते हैं तो ऐसा करना सर्वोत्तम होगा। ऐसा करने से उनकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, कहीं ना कहीं संतान सेहतमंद भी अवश्य हो जाएगी। पहले दिन नहाए खाए का पर्व होता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया था। दूसरे दिन होता है खरना, यानी कि आज खरना है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और वहीं चौथे दिन इस व्रत का पारण होता है, यानी कि उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर संपूर्ण व्रत के सफल होने की प्रार्थना भगवान सूर्य नारायण और छठ मैया माता से की जाती है। व्रती तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य को किसी भी जलाशय में या किसी तालाब में या फिर अपने घर में ही पानी में खड़े होकर अर्घ दे सकते हैं। क्या समय रहेगा भाई? 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय आप नोट कर लीजिए। शाम 5:24 पर सूर्य अस्त होंगे, तो आप अस्त होते हुए सूर्य को, अस्त चलगामी सूर्य को आप जो है अर्घ देंगे और चौथे दिन व्रती उगते हुए सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ देंगे, यानी कि 20 नवंबर 2023 सूर्योदय का समय रहेगा, सुबह 6:48। मित्रों, अब आपको बताते हैं छठी माता के आशीर्वाद से कैसे मिलेगा आपको उत्तम संतान का महावरदान। देखिए, कुंडली के पंचम भाव और उसके कारक गुरु पर यदि पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा बाधा आती है, यानी कहीं ना कहीं जो है मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात वाली जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संतान प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी कुंडली का पितृ दोष भी संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा बाधा डालता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना निसंतान दंपतियों को करना पड़ता है। लेकिन अब आप बिल्कुल ना घबराइए, छठी मैया के व्रत विधान के दिन एक आपको चांदी की कटोरी लेनी है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप स्टील या फिर कांसे की कटोरी भी ले सकते हैं। शुद्ध केसर कहीं से प्राप्त कर लीजिए, मार्केट से ले लीजिए और उन्हें, यानी कि देवी छठ मैया को अर्पित करिए और अपने संतान की कामना उनसे जरूर दोहराइए। अब यह केसर कटोरी सहित सूर्य की रोशनी में रखकर देवी गायत्री के महामंत्र का आपको किसी आसन पर बैठकर 108 बार जाप करना है। पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लीजिएगा, कुशा का आसन ले लीजिए, 108 बार जाप कर लीजिए। जाप के बाद केसर में गंगा जल मिलाइए, अपने ईष्ट का, अपने कुलगुरु और अपनी कुलदेवी का ध्यान कर छठ मैया का आशीर्वाद लेकर अपने माथे, कंठ और नाभि पर आप इसका तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। ऐसा लगातार कुछ दिन करने से कुंडली का कमजोर और पीड़ित बृहस्पति मजबूत होगा और संतान प्राप्ति का एक उत्तम योग जरूर बनेगा। तो भाई, वर्तमान समय में तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में नहीं है, वक्री है, लेकिन अगर आप इस उपाय को वक्र अवस्था के गुरु के साथ ही करें तो आपको अच्छी सेहत का वरदान भगवान नारायण, देवी छठ मैया और कहीं ना कहीं भगवान सूर्य भी आपको ये आशीर्वाद जरूर दे देते हैं। मित्रों, अब आपको बताते हैं छठी माता कैसे देंगी आपके बच्चों को अच्छी सेहत, सुख समृद्धि और धन धान्य का महावरदान। देखिए, छठ मैया के व्रत में सुबह के समय स्नान करके आप शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए, शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए और अपने कुल देवता के नाम से, कुल देवी के नाम से घर के मंदिर में एक गाय के घी का दीपक जला लीजिए। छठी माता को अर्पण करने के लिए गुड़, मिठाई, ठेकुआ, फल और गुलाबी वस्त्र आप उन्हें उनके सामने रख दीजिए। अपनी कुल देवी और कुल देवता का ध्यान करके छठी मैया की पूजा अर्चना आपको करनी है
और देवी को अर्पित किए गए फल, मिठाई छोटे बच्चों को दीजिए और गुलाबी वस्त्र किसी कन्या को दीजिए। ऐसा करने से आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा और छठ मैया के आशीर्वाद से संतान के मार्ग में आने वाली तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। संतान के कहीं ना कहीं उत्तम जो है स्वास्थ्य का वरदान मैया आपको देंगी और आपको प्रार्थना करनी है मैया से, आपकी संतान को धन धान्य का वरदान भी मिलेगा। अगर संतान गलत मार्ग पर चली गई है तो वो संतान सदमार्ग पर माता के परम आशीर्वाद से अवश्य आएगी।